अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है, मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल इस्टेट से है। DHS सिटी कराची में कुछ क्यूरीज हैं आप लोगों की, उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। उसमें एक सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन ये है लोगों का कि कुछ ब्रोकर्स के पास कुछ एडवांस मास्टर प्लान लोगों के पास मौजूद है, जिसमें ये शो किया जा रहा होता है कि सेक्टर 4 येलो की जगह रेड सेक्टर है, जबकि DHS सिटी कराची की वेबसाइट पर इस तरह का कोई भी मास्टर प्लान मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ सेक्टर 6 का जो सेक्टर 6C सेक्टर 6D है उसे भी रेड करके शो किया जाता है। इसी के साथ साथ 12C D 9D 9C 14C 14D, इसके अलावा फिर सेक्टर 15 का कुछ हिस्सा, उसके बाद सेक्टर 16 का, सेक्टर 10 को रेड दिखाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मास्टर प्लान DHST कराची की वेबसाइट पे है वही ऑथेंटिक है, वही ऑफिशियल है, इसके अलावा कोई भी चीज़ ऑफिशियल नहीं है। किसी एक प्राइवेट ब्रोकर ने खुद अपने पास से किसी एरिया को रेड कर दिया हो तो एक अलग बात है, ये बात जहन में रख लीजिए। येलो और रेड का स्टैंडर्ड क्या है, येलो रेड का मतलब क्या है। येलो सेक्टर वो एरिया होता है जहाँ पे अभी तक डेवलपमेंट का काम स्टार्ट नहीं हुआ है और आने वाले वक्तों में स्टार्ट होना है, जबकि रेड सेक्टर का मतलब ये कि डेवलपमेंट का काम स्टार्ट होकर मुकम्मल हो चुका है और वहाँ का मैप भी आ चुका है, डेवलपमेंट हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन अलाउड है। इसी के साथ साथ एक वो हिस्सा भी है जहाँ पर डेवलपमेंट का काम या तो मुकम्मल हो चुका है या मुकम्मल होने वाला है, वो होता है रेड सेक्टर, जिसमें ज़्यादातर 12AB 9AB 8A, उसके बाद हमारा सेक्टर 5 सेक्टर 7 सेक्टर 2 ओएसएस 1 सेक्टर 3, ये सेक्टर रेड में आते हैं। सेक्टर 14AB सेक्टर 13 पूरा ये रेड सेक्टर में है। ऑफिशियली जो हमारे पास मैप मास्टर प्लान DHST कराची की वेबसाइट पे है वही मास्टर प्लान एग्जैक्ट है। सेकंड मेन क्वेश्चन, अनऑफिशियली सेक्टर 4 का और सेक्टर 6 का प्लान जो मास्टर प्लान जैसे मैप कहते हैं वो मौजूद है। अक्सर लोगों के पास सेक्टर 4 का शायद ना हो, लेकिन अब कई लोगों के पास सेक्टर 4 का मास्टर प्लान आ चुका है। तो लोगों का ये सवाल होता है कि जब आप मास्टर प्लान को DHST कराची के मास्टर प्लान को ऑन नहीं कर रहे, तो ये जो अनऑफिशियली मैप आया हुआ है इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, इसकी क्या मतलब है, इसका क्या मायने है। देखिए, जब अनऑफिशियली मैप आता है, मैं मास्टर प्लान की बात नहीं कर रहा DHST कराची की, मैं एक सेक्टर की मास्टर प्लान की बात कर रहा हूँ, वो जब अनऑफिशियली मैप आता है तो वो लीक्ड होता है DHST कराची की खुद अथॉरिटी की तरफ से या खुद उनके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लीक्ड हुआ मैप होता है। उसमें जिस तरह से स्ट्रीट्स बताई गई होती हैं उसी तरह से अगर आप गूगल मैप पे भी देखें तो वो स्ट्रीट उसी तरह से ही बनी हुई हैं और वहाँ पर डेवलपमेंट का काम भी उन्हीं तरीके से ही हुआ हुआ है। और जो प्रीवियस हिस्ट्री रही है DHST कराची की, उसमें सेक्टर 2 का अनऑफिशियल मैप आया, सेक्टर 14 का अनऑफिशियली मैप आया, और इसके अलावा भी कुछ सेक्टर्स के अनऑफिशियल मैप है। CVD का कुछ लोगों के पास अनऑफिशियल मैप आया हुआ है। तो जो अनऑफिशियल मैप है, ऑफिशियली मैप भी उसी तरह से ही होता है, सेम तकरीबन आप समझ लें 90% के करीब मैप वही होता है। कुछ स्लाइटली चेंजेस होती हैं उसमें, कॉर्नर के ज़्यादातर प्लॉट अफेक्टेड हो जाते हैं, कॉर्नर जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं, जबकि ज़्यादातर बीच के जो प्लॉट हैं वो अफेक्ट नहीं करते। तो ये मैं आपको अनऑफिशियल मैप के बारे में मैंने बता दिया। ऑफिशियली सेक्टर ओएसएस 1 सेक्टर 2, 3, 5, 7, 13, 14 का ऑफिशियली मैप आ चुका है, DHST कराची की वेबसाइट पे भी है। अनऑफिशियल मैप सेक्टर 4 में आया है और सेक्टर 6 में आ चुका है। इसी के साथ साथ कुछ लोगों के पास CBD का मैप भी अनऑफिशियली मौजूद है। ये तो मैप मास्टर प्लान के बारे में बात भी हो गई और कुछ सेक्टर्स की जो मैप है उसके बारे में बात भी हो गई। अब एक मज़ीद सवाल जो बहुत ही अहम है, जो लोग पूछते हैं कि क्या वजह है कि DHST कराची में डेवलपमेंट का काम इस तरह से नहीं हो रहा कि वहाँ पर आप और मैं इस बात पे कन्विंस्ड हो जाएं कि वहाँ अपना मकान बना सकें। देखिए, DHST या DHA का इदारा जो है शुरू से ही इस पैटर्न पे चला है कि उसे बिल्डर से कोई लेन देन नहीं होता, ब्रोकर से कोई लेन देन नहीं होता। वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी अथॉरिटी जहाँ पर वो ये ख्वाहिश रखता है कि जो उसके अलॉटीज हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे और इन द एंड वो फ़ायदे में वहाँ से निकले। सेकंड, वो जगह आबाद हो और कोई उसमें लिटिगेशन मौजूद ना हो, जबकि उसको ये मतलब नहीं होता कि ब्रोकर्स का कमा रहा है नहीं कमा रहा, इसी के साथ साथ वहाँ के बिल्डर्स कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे। इसी वजह से ही ग्राउंड प्लस 4 की इजाज़त है और सालों लग गए थे जो जोड़ी के जो प्लॉट्स हैं 400 गज के, उसको ग्राउंड प्लस 5 करने में।
अब ये बात समझ में नहीं आती कि जब मार्केट में, जब शहर भर में, जब बैरेटोन कराची में ग्राउंड प्लस 11 ग्राउंड प्लस 18 की इजाज़त होती है, तो DHC में खुद इटसेल्फ जब शहर में भी मिनिमम भी ग्राउंड प्लस 14 15 16 जा रहे होते हैं, तो ये क्या वजह है कि DHA में भी बिल्डर्स को ग्राउंड प्लस 4 से ऊपर इजाज़त नहीं मिलती? DHA बिल्डर्स के बारे में नहीं सोचता, DHA एक एंड यूजर्स के बारे में नहीं सोचता, ये एक सिर्फ पार्किंग स्लॉट की तरह से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको कोई मसला नहीं है। ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे मकान बन रहे हैं, ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे डिमांड क्रिएट होती है, ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे सप्लाई आती है, यहाँ पे DHA के इदारे का कोई अमल दखल नहीं होता। जबकि इसके बरक्स अगर हम बात करें स्कीम 33 के बारे में बात करें, शादी गार्डन शादी टाउन के बारे में बात करें, किसी भी एक इंडिविजुअल सोसाइटी के बारे में बात करें, बहरेटाउन कराची के बारे में बात करें, तो मलिक रियाज खुद इन चीज़ों को लेकर चलता है, खुद बाइंग डालता है, सेलिंग डालता है, हर कुछ दिनों के बाद वो कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट ला रहा होता है। जैसे एक वहाँ पे प्रोजेक्ट आया, कमर्शियल हेरिटेज आया, उसके बाद जिना के बैक के कुछ कमर्शियल प्लॉट्स अलॉट हुए, Avenue 1, Avenue 2 आया, डॉक्टर्स हॉस्पिटल के सामने के कुछ प्लॉट्स अलॉट हुए, फिर उसके बाद अली ब्लॉक के कुछ कमर्शियल्स आए, और उसके बाद Liberty 2 कमर्शियल आ गया जो कि प्रेसिडेंट 10 के अतराफ की तरफ है। हर कुछ दिनों के बाद वो कुछ ना कुछ कमर्शियल्स लॉन्च कर रहा होता है, हर कुछ अरसे के बाद वो कोई ना कोई स्पोर्ट्स सिटी के विला को लॉन्च कर रहा होता है, कोई ना कोई एक्टिविटी लाजमी हो रही होती है, मर्जिंग हो रही होती है, मर्जिंग बंद हो जाती है, कोई डेवलपमेंट चार्ज लगा दिए जाते हैं, कोई BTK 2 के बारे में कभी बात की जाती है। बताने का मकसद है कि वो खुद ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व होती है और वो उसको लेके चलती है और आगे लेके चलती है, जबकि DHA सिटी कराची में ऐसा कुछ नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये चल रही है नहीं चल रही। उसने 30 साल की 20 साल की पेमेंट टाइम पे लोगों को अलॉट किए। मैं मेरे कल अलॉटी से बात की, उसने कहा वकार भाई मैंने 1.4 करोड़ का प्लॉट बेचा है, ये मैंने 10 लाख रुपये दिए हैं इस प्लॉट के, अलॉट हुआ था मुझे, तो ये मुझे सर्विसेज में मिले हैं। इसी के साथ साथ मैंने एक फ्लैट मेरे पास है परचेज है अस्करी में जो मुझे अलॉट हुआ, 30 साल में मैंने उसकी पेमेंट की 1.10 करोड़ रुपये, और जो कि आज 3 करोड़ रुपये की पेमेंट है। तो ये अपने लोगों को अलॉट करते हैं, उनका ये मकसद होता है कि इस जगह को डेवलप कर दिया जाए और अपने लोगों को बेनिफिट पहुंचाया जाए। अब उसके आगे क्या हो रहा है वो उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करते, उसके लिए कोई डेवलपमेंट का काम उस तेज़ी से नहीं होता जिस तरह से वो कर सकते हैं। ब्रिगेड हाउस के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हुई, बन जाते तो बहुत फ़ायदा होता, लेकिन उनके लोगों को ये पसंद नहीं है, शायद उस वजह से काम नहीं हो रहा। जबकि यही बात क्या उनको समझ में नहीं आती कि भेड़ ने जगह जगह मकानात बनाए और फिर उस जगह को आबाद किया, क्या ये DHA के लिए मुश्किल है? सैकड़ों लोग जो सैकड़ों ब्रोकर्स हैं जो DHA से ही उठ के बहरेटोन कराची में जाके काम कर रहे हैं और वहाँ जाके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जबकि उनको बहरेटोन पसंद नहीं है। आज अगर DHA से इधर का इदारा एक आवाज़ दे दे कि यार हमने मकानात बनाने और आप लोग आके बनाइए, आज भी लोग लाइन में लगे हुए पूछते हैं कि भाई आप हमें कुछ प्लॉट दे दें, हम 125 गज की प्लॉट अलॉट कर देते हैं DHA कराची में। कई लोगों की बातचीत चल रही है लेकिन DHA की तरफ से आप ही समझ लीजिए एक पेन भी अगर खरीदना होता तो उसके लिए भी पूरे महीने भर का प्रोसेस होता है और GHQ से जाके उसकी इजाज़त मिलती है। तो इतना एक लंबा एक लेंथी प्रोसेस होता है। एक अथॉरिटी है वहाँ पर, उनको इस चीज़ का इंटरेस्ट नहीं है कि मकान बन रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे, कोई मतलब नहीं है उनको, बिल्कुल फ्रेंकली बात है। मुझे कल एक मेरे क्लाइंट ने फ़ोन किया, वकार भाई आप 3A में प्लॉट कोट कर रहे हैं, आपने डेवलपमेंट जाके देखी? मैंने कहा जी मैंने जाके देखी, खुद से डेवलपमेंट हुई हुई है, सिटी स्कूल बना हुआ है, हॉस्पिटल है, सुपर यूनिवर्सिटी है, 11 OPTs हो रही है वहाँ पर, बाकायदा प्रॉपर एक पेट्रोल पंप है, स्कूल्स हैं, आपका इतफाक की बात है बैंक्स वहाँ पर मौजूद हैं, 2 बिल्डिंग्स तैयार होकर उनके स्टाफ के लिए तैयार हो चुकी जो ऑपरेशनल हैं, हेड ऑफिस वहाँ बना हुआ है, आपको और क्या चाहिए? उन्होंने कहा यहाँ तो मकान नहीं बन सकता। मैंने कहा नहीं बन सकता, कह रहा मुझे कन्विंस क्यों नहीं कर रहे कि मकान नहीं बन सकता? मैंने कहा नहीं बन सकता सर, ये 3 से 4 साल के लिए यहाँ पर रिहाइश मुझे मुमकिन होते हुए नज़र नहीं आ रही, अब मैं कैसे कन्विंस करूं कि आप इसको मुकाबला कर रहे हैं बहरेटोन कराची के साथ? तो बहुत अहम बात है, बहरेटोन कराची का DHA सिटी कराची के साथ कोई मुकाबला नहीं है। जिसने मकान बनाना है वो बहरेटोन जाए, मकान बनाकर बेचना है बहरेटोन जाए, मकान बना कर रेंट आउट करना है बहरेटोन जाए, जिसने इन्वेस्टमेंट करनी पार्किंग करके छोड़ देनी, रिस्क नहीं लेना अपनी ज़िंदगी में, सुकून लेकर आना है, वो DHA सिटी कराची में इन्वेस्टमेंट करता है। एक बंदा प्लॉट बेच रहा है 13D का, ये सोच के कि मैं ये बेचूंगा और बेचकर बहरेटोन कराची में कोई ना कुछ परचेस कर लूँगा, उसी के बरक्स वो जो 13D का प्लॉट परचेस कर रहा है बंदा, वो एक ही वक्त में 4 प्लॉट परचेस करता है DHA सिटी कराची में एक ही ब्रोकर से, और वो ये सोच के परचेस करता है कि मैंने पैराडाइज में बहुत लॉस कर लिया, 40% में वहाँ लॉस करके आ रहा हूँ, मुझे और लॉस बर्दाश्त नहीं करना, मैं बहरेटोन कराची के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता एक ही वक्त में एक ही टाइम में। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, हो सकता है शायद 13D वाला बंदा है मुझे देख भी रहा हो, और हो सकता है शायद वो भी लोग देख रहे हैं जिन्होंने 4 प्लॉट परचेस किया अभी फिलहाल एक ही दिन में DHA सिटी कराची में, किया चलो या मैं बहरेटोन कराची से निकलूं और DHA सिटी कराची में आ जाऊं।
तो हर तरह के लोग हैं, हर बंदे की अपनी प्रायोरिटी है। कोई लोग रिस्क फ्री काम करते हैं, उन्हें सुकून चाहिए ज़िंदगी में, उन्हें हर दूसरे दिन कोई एक न्यूज़ नहीं चाहिए कि BTK 2 आ रहा है, आधी रात को नींद नहीं आ रही, आपका उसी के साथ साथ कोई इंडस्ट्रियल जोन आ रहा है, रात को नींद नहीं आ रही, डेवलपमेंट चार्ज लगा देगा, नींद नहीं आ रही, कोई मेंटेनेंस चार्ज लगा देगा, नींद नहीं आ रही, पता नहीं कितने लगा देगा, क्या करेगा, हमारा प्लॉट एक जगह है, दूसरे को उठा के ना फेंक दे, लोगों के साथ अच्छे मामला नहीं हुए। तो ये रात की नींद बड़ी सुकून की होती है, उस सुकून की नींद आपको DHT कराची में मिलती है। भारत इन दोनों का मुकाबला नहीं है, मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा इन दोनों का कंपैरिजन के लिहाज से, जबकि इनके मुकाबला बनता नहीं है, उसके बावजूद एक वीडियो के साथ आपके पास ज़रूर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोगों के रमज़ान के दिन अच्छे गुजरे होंगे, रोज़ अच्छे गुजरे होंगे। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू।